मंगलवार को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने वाले तुलसीराम सिलावट को ज्योतिरादित्य सिंधिया का सबसे करीबी माना जाता है। तुलसीराम सिलावट एक बार फिर राज्य शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हैं। तुलसीराम सिलावट को शिवराज कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मंडल में तुलसीराम सिलावट को भी जगह मिल गई है। सिलावट ने 21 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने वाले तुलसीराम सिलावट का जन्म 5 नवंबर 1954 को ग्राम पिवडाई जिला इंदौर में हुआ था। स्वर्गीय ठाकुर दीन सिलावट के बेटे तुलसी राम सिलावट ने राजनीति शास्त्र से एमए किया। सिलावट का व्यवसाय कृषि है। समाज सेवा में विशेष रुचि रखने वाले सिलावट 1977 से 1978 और 1978 से 1969 में शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। नए कैबिनेट मंत्री सिलावट 1982 में नगर निगम इंदौर के पार्षद बने और साल 1985 में 8वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और संसदीय सचिव रहे। वो 1995 में नेहरू युवा केंद्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने और 1998 से 2003 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष रहे। तुलसी सिलावट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी रहे। दिसंबर 2007 के उपचुनाव में 12वीं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और साल 2008 में तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 2018 के विधानसभा निर्वाचन में सिलावट सांवेर विधानसभा से चौथी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। तुलसीराम सिलावट ने 25 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी और अब सिंधिया गुट के कहे जाने वाले तुलसीराम सिलावट ने शिवराज सरकार में शपथ ग्रहण कर अपने राजनीतिक करियर में बदलाव का आगाज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DNN।